नमस्कार, मैं अभिषेक राज। तो चलिए शुरू करते हैं आज पीओटी का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर शुरू करने से पहले बता दें कि हम जो इसे पढ़ाएंगे, जितने भी पीओटी के क्लास हम लेंगे, तो बिल्कुल शॉर्ट में रहेगा, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्वेश्चंस लग जाएं। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से। आप लोगों को टेस्ट परचेज करना होगा और कम से कम 400 से 500 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बिल्कुल 100% श्योर है कि अच्छा मार्क्स लगेगा। पास ही नहीं, अच्छा मार्क्स से आप पास होंगे। तो आपको उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। मैं एक वेबसाइट से बात चल रही है, अगर वो सहमत हो जाता है तो काफ़ी कम कॉस्ट में, चीप एंड बेस्ट रहेगा, काफ़ी कम पैसे में आपको बहुत सारे टेस्ट देने को, ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, जैसे क्वेश्चन तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन आप जब ऑनलाइन बैठ के खुद से एग्जाम दीजिएगा तो आपको फीलिंग होगा क्लासरूम जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर पीओटी का। तो हमारा ये पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दें कि पीओटी आखिर क्या जरूरत पड़ा हम लोगों को, पीओटी पढ़ने का प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्यों स्टार्ट किया गया, या कह सकते हैं सीआईटीएस कोर्स क्यों चालू किया गया। इसको समझने के लिए हम बता दें कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, 1939 से स्टार्ट हुआ था, तो उस समय काफ़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर कह सकते हैं, या स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश थी उनको। तो इंडिया में उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाती थी, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा टाइप का कुछ था, लेकिन ये नहीं था जो ITI लेवल का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश थी उन्होंने इसे स्टार्ट किया था कब, 1940 में, एक 21 दिन का ट्रेनिंग देकर स्टार्ट किया गया था। मतलब 1940 में विश्व युद्ध हो रहा था, सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट था, उस समय ही गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने 21 दिन का ट्रेनिंग देकर स्किल्ड लेबर को लड़ाई पर भेज दे रहे थे, ट्रेनिंग देकर लड़ाई पर इसलिए भेज रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टैंक, तोप और मशीनरी थी जिसको ऑपरेट करना था, या उसके पार्ट पुर्जों को बनाना था, क्योंकि उस समय इतने टेक्नोलॉजी नहीं था, मैनुअल काम होते थे, बहुत सारे पार्ट्स मैनुअल बनाए जाते थे। तो इसके लिए 1940 में उन्होंने 21 दिन को ट्रेनिंग देकर उन लोगों को, भारतीय जो नागरिक थे उनको भेजना शुरू किया, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1940 में आप समझ सकते हैं देश गुलाम था उस समय स्टार्ट किया गया था। और इसके पीछे जब देश आज़ाद हुआ तो यह महसूस हुआ हमारे जो लीडर्स थे इंडिया के, या डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट थे, उसको ये अनुभव हुआ कि हमारे देश में जितने भी लेबर डिपार्टमेंट है, जो वर्कर मशीन पर काम करते हैं, वो ट्रेंड नहीं होते, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। तो इसके पीछे मकसद था कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में या डिप्लोमा कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पे कभी भी मशीनरी चलाने के लिए या बेसिक जो लेबर को ट्रेनिंग देने के लिए कोई चीज़ नहीं था। तो इसी के सोच को डेवलप करने के लिए ITI की स्थापना की गई। और ITI जब स्थापना हो गई तो सोचा गया कि ITI के जो टीचर हैं उनको ट्रेनिंग कौन देगा, उन लोगों को, उनके अंदर नैतिकता कैसे आएगी। ठीक है, स्किल डेवलप हो जाएगा, आप काम करना जान जाएंगे, लेकिन जिसको सिखाना है काम करने के लिए उसको ट्रेनिंग कौन देगा, आखिर उसको भी एक ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, उसको ये नॉलेज होना चाहिए कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों के बीच हम अपना कम्युनिकेट करेंगे, उनको किस तरह से ऐसा पढ़ाएंगे कि जल्दी हो एक अच्छा वर्कर, एक अच्छा स्किल्ड वर्कर तैयार हो जाए। इसी के समस्या को दूर करने के लिए 1948 में जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत 1948 में सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। कहाँ किया था, तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में बिलासपुर नाम का एक जगह है, वहाँ पे कोनी है, कोनी बिलासपुर में, और वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में किया गया था। लेकिन इसे बाद में वहां से शिफ्ट कर दिया था कहाँ, कोलकाता के दास नगर में जो अभी इंस्टीट्यूट है CITS का, ATI NSTI बोलिए, तो दास नगर में जो वो शिफ्ट किया हुआ है। पहला जो CITS कॉलेज था वो कोनी बिलासपुर में था, उसी को दास नगर में शिफ्ट कर दिया गया था। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक के कि सर CITS नहीं होता, हम बोलते हैं CITS, बाकी लोग बोलते हैं कि CTI होता है सर। तो CTI था ही, पहले क्या था, CTI था, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, इसका नाम बदल के एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रख दिया गया।
और जब एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम रख दिया गया तो इस कोर्स का नाम होगा CITS, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कर दिया गया था। उस समय और भी बहुत सारे कॉलेज थे, जैसे फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो जमशेदपुर में और बंगलुरु में है, तो वह भी कॉलेज बनाए गए थे फोरमैन के लिए। आजकल तो फोरमैन की कोई जरूरत ही नहीं है, फोरमैन पोस्टिंग खत्म कर दिया गया है। तो इसके बाद जो सेकेंड इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया था, सेकेंड इंस्टीट्यूट पुणे में बनाया गया था, इसको जो पुणे वाला इंस्टीट्यूट उसको क्या शिफ्ट किया गया था, मुंबई में, उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद पुनः 5 और कॉलेज बनाए गए थे, जिसका जो अभी चेन्नई में, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना, जयपुर इत्यादि में और भी कॉलेज बनाए गए, लगातार ये बने थे। इसके बाद तो बहुत सारे कॉलेज बने, RVTI भी बनना शुरू हुआ। तो इस तरीके से CITS कॉलेज का स्थापना किया गया था, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। बाद में इसका नाम चेंज करके एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया था और अब नेशनल स्किल ट्रेनर इंस्टीट्यूट रख दिया गया, NSTI रख दिया गया है। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन होते आया है और कोर्स हमारा CITS 1948 से ही चला आ रहा है। तो इस तरीके से CITS कोर्स का डिजाइनिंग किया गया था। तो चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, टीचिंग। व्हाट इज ए टीचिंग, टीचिंग क्या है उसके बारे में हम जानते हैं।